Hey guys, welcome back to this channel Bit to Edit X. So today I'm gonna show you how to edit your pics for Valentine Day. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आप Valentine Day के लिए फोटो एडिट कैसे कर सकते हो. So simply जैसा आप देख सकते हो फोन में मेरा जैसा मॉडल ओपन हुआ है, आपको सेम ऐसे ही पिक क्लिक कर लेना है. देन उसके बाद क्या करना है, आपको उस पिक को कट कर लेना है. कट कर लेने के बाद आपको पिक्सार्ट ऐप में उसे ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है. एंड अब हम क्या करना है, अब हम कट करने के बाद उसको सेव कर लेना है. उसके बाद हमें बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है. बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद हमें जाना है ड्रॉ टूल पे, जो यहाँ पे है. ड्रॉ टूल के फर्स्ट नंबर पे हमें जाना है. देन हमें एक लेयर बनानी है. एंड फर्स्ट लेयर में हम ऐड करेंगे फोटो लेयर, और हम एक गर्ल की PNG ऐड करेंगे. सो मैं अभी गर्ल की PNG ऐड कर लेता हूँ जल्दी से, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. सो ये अभी पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे फ्री कर देंगे. एंड जैसे आप फ्री पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक पूरा सेलेक्ट होने लगेगा. देन आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके कर देना है. उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही साइज में बड़ा है, इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ये करके फिर अब हम इसे स्मॉल करेंगे और कुछ इस तरह ऐसे फिट कर देंगे. उसके बाद हम एक और लेयर ऐड करेंगे फ़ोटो लेयर की, जिसमें हम अपने मॉडल को इंपोर्ट करेंगे. एंड आप सब देख सकते हो कि हमारा मॉडल भी इंपोर्ट हो गया है, एंड मॉडल भी पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे फ्री पे क्लिक कर लेंगे. एंड उसके बाद ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा मॉडल आ जाए. एंड ये भी कुछ ज़्यादा साइज में बड़ा है, इसलिए हम इसे भी ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड कुछ इस तरह लाके छोड़ देंगे. एंड टिक पे क्लिक कर लेंगे. फिर हमें एक और PNG ऐड करनी है, जो है लाइट की PNG. सो इसे भी हम ऐसे एक सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया. और इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे. हम इसे ब्लेंड करेंगे डार्कन पे. डार्कन पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम स्क्रीन पे करते हैं. स्क्रीन पे परफेक्ट दिख रहा है. उसके बाद हम इसे भी ट्रांसफॉर्म करेंगे. एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इस लाइट के PNG को ऐड कर लेना है. देन इसे टिक कर लेना है एंड इसको मॉडल के नीचे लाके छोड़ देना है. ओके, अब हमारा कुछ पिक ऐसा दिख रहा है. उसके बाद हमारा जो लेयर का काम था वो हो चुका है. हम चाहे तो अगर बट हम अभी एक और लेयर बनाएंगे. हम एक और लेयर लेंगे जो होगी एम्प्टी लेयर. एंड इस एम्प्टी लेयर पे हम वर्क करेंगे इसके शैडो के लिए. हमारा जो मॉडल का शैडो होगा वो ब्लैक कलर का होगा. एंड इसकी हम ओपेसिटी भी कम कर देंगे एंड साइज थोड़ी बढ़ा लेंगे. एंड उसके बाद इसको हम थोड़े पैर के पास, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम बैक कर लेते हैं यहाँ से. एंड इसके साइज़ में थोड़ा और करेक्शन करते हैं, इसकी ऑपेसिटी बहुत 2 कर देते हैं और ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं. अब ये कुछ शैडो वाला इफेक्ट आ रहा है. एंड देन हम अब